स्टूडेंट्स, वेलकम टू खंडेलवाल मैथ्स एकेडमी। आई एम योर होस्ट विशेष खंडेलवाल। इन टुडेज वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद पार्ट 2 ऑफ प्रैक्टिस 2.1 ऑफ लेसन 2 पैरेलल लाइंस ऑफ स्टैंडर्ड 9 ज्योमेट्री। अब देखो, पार्ट 1 में हमने प्रैक्टिस 2.1 के पहले दो क्वेश्चन देखे थे। नाउ कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन 3। इन द फिगर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, और तो और लाइन N और P भी एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, एंगल A, एंगल B और एंगल C फाइंड करना है हमें, और यहां पर ये एक एंगल दिया है 45 डिग्री। अब देखो, हम यहां क्या करेंगे, एक और एंगल हमारे मन से हम यहां पर डालेंगे। सपोज उसको हम नाम देंगे इधर एंगल X। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? देखो, ये 45 डिग्री का एंगल है, लाइन L और लाइन M एक दूसरे को पैरेलल है। यहां पर जैसे ही हमने एंगल X पुट ऑन किया तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रूएंट रहेंगे, बिकॉज लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M और P ट्रांसवर्सल लेंगे हम लोग। देखो, अलग से मैं एक फिगर बनाता हूं यहां पे, ताकि और अच्छे से आपको क्लियर होगा। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M और ये लाइन P आपका ट्रांसवर्सल है। ओके, ये 45 डिग्री है, और ये जैसी मैं यहां पे X ले रहा हूं तो ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। सो आपको एंगल X का भी वैल्यू मिलेगा 45 डिग्री, और ये एंगल X का वैल्यू 45 डिग्री मिलते से ही हमारे सारे ए बी सी ये जो एंगल्स हैं इनके वैल्यूज मिल जाएंगे। कैसे? एंगल एक्स प्लस ए दोनों का एडिशन आएगा 180 डिग्री, लिनियर पेयर एंगल्स, सो एंगल ए मिल जाएगा। एंगल ए और एंगल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो दोनों कॉन्ग्रूएंट रहेंगे, और एंगल बी विल बी कॉन्ग्रूएंट टू एंगल सी, क्योंकि लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी और वहां पर एम ट्रांसवर्सल लेंगे, तो एंगल बी और एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आएंगे। ओके, सो यहां पे हमने एंगल सी पुट ऑन किया है। अब देखो, बहुत इजी है इसका सोल्यूशन। इन द फिगर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ओके, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, दिस इज गिवन, और लाइन P इज ट्रांसवर्सल। अब ये दोनों एंगल कैसे हैं? 45 और X, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है, एक एंगल छोड़कर एक है, सो दे आर करस्पॉन्डिंग। और तो और अब लाइंस एक दूसरे को पैरेलल भी है, तो लाइंस अगर पैरेलल रही तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहते हैं? कॉन्ग्रूएंट। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहां पे, देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री, रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रूएंट। अब देखो, यह मैं रब कर दे रहा हूं। नाउ एंगल एक्स प्लस एंगल ए, एंगल एक्स प्लस एंगल ए ये 180 डिग्री रहेगा, रीजन लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, लीनियर पेयर एंगल्स। अब यहां देखो आप, एंगल एक्स 45 डिग्री है प्लस एंगल ए इज 180 डिग्री। 45 लेफ्ट साइड में है, राइट में जाएगा तो माइनस आ हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, सो एंगल ए विल बी 135 डिग्रीज। ओके, एंगल ए मिल गया आपको। अब देखो, इन द फिगर एंगल ए और एंगल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, एंगल ए इज कॉन्ग्रूएंट टू एंगल बी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, सो एंगल ए कितना है? 135, तो एंगल बी भी कितना रहेगा? 135 डिग्रीज। सो अब देखो, आपको एंगल ए मिल गया, एंगल बी भी मिल गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एंगल सी। अब देखो, ये दो पैरेलल लाइंस कंसिडर करो आप, लाइन एन और लाइन पी। देखो, एक अलग से मैं फिगर बना रहा हूं यहां पर। लाइन N इज पैरेलल टू लाइन P और दिस लाइन M इज ट्रांसवर्सल, बराबर है। सो ये एंगल C और एंगल B, देखो ये ट्रांसवर्सल है M, उसके एक साइड पे है ये दोनों एंगल, और एक एंगल छोड़कर एक है, तो दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और लाइन N और P पैरेलल होने की वजह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहेंगे? कॉन्ग्रूएंट। तो अब देखो, आपको क्या लिखना है, लाइन N इज पैरेलल टू लाइन P, ओके, दिस इज गिवन,
लाइन एम इज ट्रांसवर्सल, एंड देयरफॉर एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी. देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पर एंगल बी 135 है, इसका मतलब एंगल सी भी कितना आएगा 135 डिग्रीज. ओके अब देखो यहां पर लाइन एल और एम दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, बराबर, और एन और पी दोनों एक दूसरे को पैरेलल है. अब ऐसा नहीं है कि ये लाइन इसको पैरेलल है तो वी कांट ट्रीट देम एज ट्रांसवर्सल, ऐसा कुछ नहीं है. अगर हम ऐसा ले रहे हैं कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, तो हम लाइन पी को उसका ट्रांसवर्सल और एन को भी उसका ट्रांसवर्सल ट्रीट कर सकते हैं. और यदि हम बोल रहे हैं कि लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी, तो लाइन एल इज ट्रांसवर्सल ऑन देम, ऑल्सो लाइन एम इज देयर ट्रांसवर्सल. ओके हम ऐसा उसको ट्रीट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप. इन द फिगर साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर. क्या बोल रहे हैं, ये जो एंगल पी क्यू आर है इसके दो साइड्स हैं. ओके यानी दो रे है एक्चुअली, एक क्यू पी और क्यू आर, और ये जो एंगल एक्स वाई जेड है इसके दो साइड्स हैं, यानी दो रे है वाई एक्स और वाई जेड, तो ये एक दूसरे को पैरेलल है. मतलब क्यू पी इज पैरेलल टू वाई एक्स है और क्यू आर इज पैरेलल टू वाई जेड है, ये हमको दिया है. दिस इज गिवन पार्ट, बराबर है. अब मुझे एक बात बताओ, PQ पैरेलल टू XY आपको दिख रहा है और QR पैरेलल टू YZ भी दिख रहा है, पर दो लाइंस पैरेलल है इनका फायदा तब रहेगा जब वहां पे कोई ट्रांसवर्सल हो, यहां पे कोई ट्रांसवर्सल ही नहीं है, बराबर है. ये इसको पैरेलल है माना मैंने, पर कोई ट्रांसवर्सल है क्या जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है या इनसे पास हो रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, नहीं है. वैसे ही YZ पैरेलल टू QR है, पर यहां पे कोई ट्रांसवर्सल है ही नहीं. इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि इस फिगर में कंस्ट्रक्शन आने वाला है, बराबर है, ये एक बात हो गई. अब देखो प्रूफ क्या करना है, एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड, बराबर है. अब यहां पर पैरेलल लाइंस में दो एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट कब रहते हैं, जब या तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे या वो अल्टरनेट एंगल्स रहेंगे. अब देखो यहां पे पी क्यू आर और एक्स वाई जेड डायरेक्ट ना करस्पॉन्डिंग है ना अल्टरनेट है, तो अब क्या करेंगे यहां पे. तो पहली जो मैंने आपको बात बोली है कि ये दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है पर कोई ट्रांसवर्सल नहीं है यहां पे, ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे को पैरेलल पर कोई ट्रांसवर्सल नहीं है, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन करना है हमें. कंस्ट्रक्शन ऐसा रहेगा, एक्सटेंड रे वाई एक्स अप टू रे क्यू आर, मतलब ये इसको यहां पर एक्सटेंड करना है हमें क्यू आर सच दैट इट इंटरसेक्ट्स रे क्यू आर इन पॉइंट एम. ये जो एक्स वाई है आपको इसको एक्सटेंड करना है सच दैट इट इंटरसेक्ट रे क्यू आर इन पॉइंट एम. अब यहां पे आप देखोगे तो यहां पे फायदा क्या हो गया आपको, सपोज ये वाई जेड पैरेलल टू क्यू आर कंसिडर करो, ध्यान दो अच्छे से, और आपका ये ट्रांसवर्सल है. Y Z parallel to Q R, ओके, और आपका ये ट्रांसवर्सल हो गया. सो यहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब देखो आपको एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड बताना है, ये डायरेक्ट अपन कॉन्ग्रुएंट नहीं बता सकते, तो ये एंगल्स किसी और एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट है क्या वो देखो. सो अब यहां पर हम लेंगे वाई जेड पैरेलल टू एम आर, हमको दिया ही इन्होंने, साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब वाई जेड इज पैरेलल टू क्यू आर, मतलब ही वाई जेड इज पैरेलल टू एम आर, बराबर है. तो देखो यहां पर रे वाई जेड इज पैरेलल टू रे
क्यू आर दिस इज गिवन दैट इज रे वाई जेड इज पैरेलल टू रे एम आर. वाई जेड इज पैरेलल टू एम आर एंड एक्स एम इज ट्रांसवर्सल एंड एक्स एम इज ट्रांसवर्सल. देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स एम आर. वन नाम दो रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके अब देखो ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट हो गया. अब बचता है एंगल पी क्यू आर. सो अब हम क्या करेंगे पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई लेंगे. ये देखो ये है आपका पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई मतलब इसको एक्सटेंड करेंगे हम एम तक. ओके तो पी क्यू पैरेलल टू एक्स एम और क्यू आर से ट्रांसवर्सल तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो रे पी क्यू इज पैरेलल टू रे एक्स वाई दिस इज गिवन दैट इज रे पी क्यू इज पैरेलल टू रे एक्स एम एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल. क्यू आर इज ट्रांसवर्सल. अब देखो क्यू आर ट्रांसवर्सल है इसका मतलब क्या होगा देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स एम आर. रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके अब देखो फ्रॉम वन एंड टू इसको टू नाम दो एक्सएम आर मतलब दोनों के राइट हैंड साइड सेम है सो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगे. फ्रॉम वन एंड टू एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर. यही आपको प्रूफ करना था. ओके यहां पे क्या किया देखो हमने ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ओके हॉट्स में आता है ये सब. देखो आप आपके टेक्स्ट बुक में स्टार मार्क भी किया होगा. ओके ये फोर्थ सम के ऊपर क्या बोला है यहां पे इन द फिगर साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर. इतना बोला है कि ये इसका मतलब क्यू पी पैरेलल टू वाई एक्स है और क्यू आर पैरेलल टू वाई जेड है. दो लाइन आपस में पैरेलल है बहुत अच्छी बात है पर कोई ट्रांसवर्सल ही नहीं है वहां पे तो हम कौन से पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताएंगे. पहली बात तो ये. दूसरा हमें क्या बताने को बोला है कि एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड. ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट बताना है पर ये दोनों एंगल्स में डायरेक्ट कोई कनेक्शन है ही नहीं. ओके और यहाँ पे कोई ट्रांसवर्सल था ही नहीं तो हमने क्या किया फिर कंस्ट्रक्शन में एक्स वाई को एक्सटेंड किया अप टू क्यू आर सच दैट इट इंटरसेक्ट पॉइंट क्यू सॉरी रे क्यू आर एट पॉइंट एम. तो अब यहाँ पे फायदा क्या हो गया हमको. अब देखो रे वाई जेड पैरेलल टू क्यू आर था ये तो गिवन था मतलब वाई जेड इज पैरेलल टू एम आर और एक्स एम ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू एक्स एम आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्योंकि ये लाइन्स पैरेलल है एक दूसरे को. वन नाम दो. अब बचता है ये वाला एंगल तो इसमें क्या है अब इसमें पी क्यू पैरेलल टू हमने एक्स एम लिया पूरा पी क्यू पैरेलल टू एक्स एम और क्यू आर ट्रांसवर्सल तो इसका मतलब एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स एम आर बराबर है. और फ्रॉम वन एंड टू आप आपने देखा कि वन में एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू एक्स एम आर है और टू में पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एक्स एम आर है दोनों में एक्स एम आर सेम है. सो फ्रॉम वन एंड टू एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड. बस आपको एक कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना है यहाँ पे और कंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ा ये भी मैंने आपको बताया. वहां पे ट्रांसवर्सल था ही नहीं ये जब एक्सटेंड किया तो अब वहां पे ट्रांसवर्सल मिल गया हमें. जैसे पी क्यू पैरेलल टू एक्स एम है तो क्यू आर उसका ट्रांसवर्सल है और वाई जेड पैरेलल टू एम आर है तो एक्स एम अब उसका ट्रांसवर्सल.